रिस्क are evaluated according to what those harms could be and to whom and how serious they might be and whether they could be reversed should be materialized क्योंकि ये देखना कि वो क्या है कितना है कैसे होगा क्या वो वापस ठीक हो सकेगा वो हार्म या नहीं जैसे कुछ रिसर्च के अंदर ऐसे हार्म होते हैं जो दोबारा कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते दोबारा वो ठीक नहीं हो सकते वो डैमेजेस लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि ठीक हो सकते हैं सो वी हैव टू सी वो टेम्परेरी हैं वो हमारे मॉनिटरी हैं या वो लॉन्ग टर्म है या उनकी जो है वो असेसमेंट हमने किस तरह से करनी है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इंसिडेंस ऑफ डिसरिस्पेक्ट और एनी काइंड ऑफ द हार्म ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल रिस्क बिफोर परमिटिंग अ स्टडी प्रोजेक्ट टू प्रोसीड इज वेरी क्रिटिकल ये लिस्ट आउट कर लेना कि किस किस तरह के हार्म हो सकते हैं इनको हमें पहले से ही फोर्स ही करना जरूरी है द डेजिग्नेटिंग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल रिस्क इन द रिसर्च विद ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स आर नंबर वन दे कूड बी द फिजिकल हार्म इसमें फिजिकल कोई नुकसान होने का खतरा हो देन साइकोलॉजिकल हार्मल हार्म आपकी जो रिप्यूट है आपकी जो आइडेंटिटी है उसको हार्म होने का डर हो दैन इकोनॉमिक हार्म देन लीगल हार्म एंड देन डिग्नेट्री हार्म सो ये लार्जली ये छः तरह के हार्म हैं और इसके विद इन हमें देखना होगा कि इसमें से ये रिसर्च किस तरह का हार्म क्रिएट कर सकती है इन रियालिटी एंड थैंकफुली पोटेंशियल रिस्क इन सोशल एंड बिहेवियर रिसर्च आर ऑफ ए नॉन एग्जिस्टिंग और ट्रीवियड जिस तरह से हम नेचुरल साइंस की या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उनके रिसर्च के अंदर इस तरह के हार्मस हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशनली जो है वो डेंजर्ड हों लेकिन सोशल साइंसिस के जो हार्मस हैं वो थोड़े डिफरेंट नेचर के होते हैं माइनर रिस्क हो सकता है मस कैन इंक्लूड बिकॉज ऑफ़ द लॉन्गिटी ऑफ द रिसर्च बोर्डम इनकनवीनियंस हो सकती है परफॉर्मेंस एग्जाइटी आ परसेप्शन डेट वंस टाइम वाज़ वेस्टेड इस रिसर्च में करने से क्या फ़ायदा हुआ एंड कन्फ्यूजन रिगार्डिंग हाउ टू इंटरप्रेट द एग्जामिन डायरेक्शन यानी उसकी जो डायरेक्शन हैं उसको समझने में प्रॉब्लम महसूस होना ये एक माइनर किस्म के हार्म हैं दैन सीरियस कुड भी सीरियस रिस्क कुड भी इंक्लूडेड द इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी आपकी अपनी एक पर्सनल जो चीज़ें हैं वो आपकी रिसर्च में आप रिवील करें किसी को अपनी थाट्स के बारे में बताएं अपनी प्रसप्पशन के बारे में बताएं अपनी लाइफ की फ़िलासफ़ी के बारे में बताएं और फिर वो उसको कॉन्फिडेंशल रखना जो है इंश्योर करना वो पॉसिबल ना हो सके या वो पब्लिश हो जाए तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम देन ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी लिंगरिंग स्ट्रेस एंड डिसकम्फर्ट लोवरिंग ऑफ सेल्फ इस्टीम देन अपसेट रिएक्शन ऑफ बींग डिसीव्ड और डी ब्रीफ्ड यानी प्रॉपर डी डी ब्रीफिंग ना दी जाए या डिसीव किया जाए उस एक्सपेरिमेंट के अंदर यानी उसका पर्पज़ कुछ और बताया जाए लेकिन पर्पज़ एक्चुअली कुछ और हो दैन एम्बारिसमेंट एंड कोलेक्टिव रिस्क बाय विच पोटेंशियल सोशल कॉन्सिक्वेंसिस एग्जिस्ट डायरेक्टली फॉर द पार्टिसिपेंट्स और इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिड इन द स्टडी जैसे हम शेट शेम अटैकिंग एक्सरसाइजिज की बात करते हैं कुछ लोगों के लिए शेम अटैकिंग एक्सरसाइजेस को बियर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो उनके लिए इतनी ज़्यादा एक वर्नरेबल सिचुएशन हो जाती है जो उन्होंने कभी पहले नहीं एक्सपीरियंस की होती और उसमें वो बहुत ही बुरी तरह से अपनी लो सेल्फ़ स्टीम फील करते हैं और वो उसको बियर नहीं कर पाते सो माइनर रिस्क भी हो सकते हैं और इसी तरह सीरियस रिस्क भी हो सकते हैं अ कॉम्प्लिकेटिंग प्रॉब्लम रिलेटिव टू रिस्क असेसमेंट इज दैट मैनी कंटेम्पलेटि टेक्निक्स और स्टडी अप्रोचेज प्रीवियसली स्टडीड बहुत सारी ऐसी रीजंस भी हो सकती हैं जो पहले स्टडी नहीं की गई और जब वो पहली दफ़ा स्टडी की जाएं तो वो भी बेसिकली हम कंटेम्पलेट करते हैं कि इसमें किसी ना किसी तरह का हार्म या रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है लेकिन चूंकि वो पहले कभी रिसर्च नहीं की गई होती तो जब तक वो फर्स्ट टाइम नहीं की जाती तो ये जानना मुश्किल होता है कि इसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं दस द डिग्री ऑफ रिस्क में सिम्पली बी अन नोन सो इफ आई से कि हम ये नहीं जज कर सकते किसी एक्सपेरिमेंट के रिस्क क्या होंगे बिकॉज ऑफ द मल्टीपल इंडिविजुअल वेरिएशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर Uh, ये एग्जैक्टली exactly कहना शायद थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा सो वेयर कंटेम्पलेटेड फ्रॉम दिडिक्शन डिफिकल्टीमिंगलीफेट वेराइटी ऑफ वेज पीपल रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टिमुलाई एंड फोनोमना वी जस्ट कांट क्लेम कि इस चीज में कितना रिस्क होगा एक तो ये कि हर इंडिविजुअल एक स्टिमुलस को डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्स करता है सो हम ये नहीं कह सकते कि एक एक्सपेरिमेंट की स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या एक इंडिविजुअल के लिए ही सिर्फ रिस्की थी या वो बाकियों के लिए भी हो सकती है सो सोशल साइंस में ये सिंपली कह देना कि जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिस्क को इज वेरी चैलेंजिंग बट रादर वी कैन से दैट वी कैनॉट से कि इसमें कितने अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होगा क्योंकि अगर हम माइनर uh, रिस्क की बात करें तो वो प्रॉबेबली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो उनके ह्यूमन बिहेवियर की वजह से वेरी कर सकता है